बाहुबली का वेजिटेबल व्हीकल मिल रहा है गन, ये काफी मजबूत है और ये आपको पूरे में मिल रही है, दो नेक में यहाँ पे आपको दिख रही है, देखिए ये खास तौर से बनाया गया है आपके लिए सब्जी लेने के लिए। सभी नीचे पूरा है, काफी गैप दे रखा है जो कि आप जाहिर सी बात है देखिए यहाँ से भी खोल सकते हैं, तो आलू प्याज जो है वो आप यहाँ रख सकते हैं और जाहिर सी बात है आप ज्यादा दूर तक ज्यादा स्पीड में चला पाएंगे। अन्य कंपनी का 1500 वाट का मोटर के साथ मिल रही है, दोनों चीज में आपको अवेलेबल है, चाहे लिथियम में चाहे लेड में। ये जो वेजिटेबल लेने का फायदा क्या है, और अपनी गली गली जाके अपना ई रिक्शे में सामान जो सब्जी है वो यहाँ पे बेच सकते हैं। चलती फुरती दुकान, जहाँ बोलोगे वहाँ चलेगा। नमस्ते भाइयों, कमाना है अगर आपको हर घड़ी और चलाना है इंडिया की गली गली तो चलाइए बाहुबली। और आज हम आ गए हैं बाहुबली ई रिक्शा का जो कंपनी का है उसका यहाँ पे लोडर लेके, जो कि है आपको यहाँ पे मिल रहा पूरा ये वेजिटेबल व्हीकल में, ये वेजिटेबल में आपको पूरा ये बाहुबली का वेजिटेबल व्हीकल मिल रहा है ग्रीन कलर में ये है। और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे कि क्या कितना कमा सकते हैं इससे, कैसे ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें सुविधा मिल रही है इस आपको इसमें वेजिटेबल चलाने के लिए और हर चीज़ करने के लिए। तो पूरी वीडियो देख के ज़रूर जाएं और चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बिल्कुल हर एक चीज़ धीरे धीरे करके बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो नॉर्मल हर ई रिक्शा मिलता है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल रहा है, स्टेनलेस स्टील का मडगार्ड मिल रहा है, यहाँ पे आपको अंदर हैलोजन और बाहर एलईडी लाइट मिल रही है। इधर देखिए तो यहाँ पे 43 एमएम के सॉकर मिल रहे हैं, जो कैट कंपनी के कैट गुड कंपनी के उसके सॉकर हैं। यहाँ पर ऊपर आते हैं तो बाहुबली का हिंदी में लोगो लगा है और यहाँ पर आपको विंडशील्ड ग्लास मिल रही है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है और ऊपर भी आपको बाहुबली का जो लोगो मिल रहा है। यहाँ पर आते हैं तो जो बाहुबली का सबसे जो मेन पॉइंट है वो है ई रिक्शा का, यहाँ पर आपको जो मिल रहा है बटरफ्लाई डिज़ाइन, ये काफ़ी मजबूत है और ये आपको पूरे में मिल रही है। देखिए यहाँ दो इंडिकेटर हैं और ये जो बटरफ्लाई डिज़ाइन, ये चीज़ आपको हर बाहुबली के रिक्शे में लोडर में हर जगह मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ इधर आए तो यहाँ पे देखिए हर रिक्शे की तरह इसमें जैसे हर रिक्शे में आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें आपको यहाँ पर बिल्कुल सामने आपको जो है हैंड ब्रेक मिल रहा है और यहाँ पर रखने के लिए पैर, ये चीज़ मिल रही है, हैंड ब्रेक सब मिल रहा है। और यहाँ पर आपको ये देखिए ये चेसी मिल रही है जो कि डबल नेक में आ रही है। ये देखिए नेक की बात करूँ क्योंकि लोडर है तो डबल नेक में, दो नेक में यहाँ पे आपको दिख रही है देखिए। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेसी के साथ बटरफ्लाई डिज़ाइन और दो मजबूत जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो मेन है रिक्शा का, जो यहाँ पे ई लोडर का मैं कहूँगा जो मेन चीज़ है वो ये पीछे वाला डाला जो कि खास तौर से बनाया गया है आपके लिए सब्जी लेने के लिए, सब्जी अगर आप लेने जाते हैं उसके लिए खास तौर से बनाया गया है। तो ये देखिए इधर आते हैं, यहाँ पे देखिए सब्जी आपको ले जाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये देखिए दो चीज़ यहाँ पे कवर दे रखा है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर हम तो देखिए नीचे पूरा है, काफ़ी गैप दे रखा है जो कि आप जाहिर सी बात है देखिए यहाँ से भी खोल सकते हैं, ये इसको आपने नीचे दबाया और ये आप ऐसे खोल सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको खुल गया है। और यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे पूरा स्पेस दे रखा है और ये पूरा स्पेस दे रखा है और नीचे पूरा स्पेस दे रखा है। अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बताऊँ तो क्या कर सकते हैं, इन जगहों पे आप अपना रख सकते हैं आलू प्याज जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है और सबसे ज़्यादा भारी भी होता है, तो वो आलू प्याज जो है वो आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, धनिया हो गया, अदरक हो गया, मिर्ची हो गई या जो जो भी सामान है वो आप इन जो डब्बे दे रखे हैं, ये देखिए जैसे ज़्यादा बात करूँ ये डब्बे दे रखे हैं, इन सब में आप ये रख सकते हैं। इतनी सारी सब्जियाँ आपका स्पेस दे रखा है, ये सारे दोस्तों ये जो है ये पूरा मैं अगर बात करिए निकालता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको लोहे में मिल रहा है, ये आपको लोहे में मिल रहा है। अगर आप और लोहे के नीचे देखिए यहाँ पे वो रॉड लगा हुआ है जिससे कि बिल्कुल सेटल हो रखा है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो ये चीज़ आपको प्लास्टिक में भी मिल जाएगा, प्लास्टिक में भी जो कंटेनर आते हैं वो लगा के दे दिया जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो ई रिक्शा है, जो ई लोडर है, उसका वेट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और आपको चलाने में आसानी होगी और जाहिर सी बात है आप ज़्यादा दूर तक ज़्यादा स्पीड में चला पाएंगे। तो ये है आपका वेजिटेबल व्हीकल। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने कवर कर दिया, मैंने आपको दिखाया था भाई, ये मैंने कवर कर दिया, इधर आया तो ये भी मैंने इधर कवर कर दिया, देखिए नीचे दबाया ये देखिए ये भी कवर हो गया। और ये वाला अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल देखिए ये आराम से यहाँ बंद हो गया और ये नीचे से ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे बंद हो गया, ठीक है, कहने का मतलब है। और ये देखिए ये दोनों यहाँ से बंद हो जाएगा आपका, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप पूरा इसको बंद कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो सब्जी अंदर रखी हुई है वो ख़राब नहीं होगी, कोई धूल मिट्टी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो उससे काफ़ी अच्छा होने वाला है आपको ये पूरा वेजिटेबल व्हीकल। अच्छा बात करें इसके चीज़ों की तो ये देखिए
यहाँ पे लिथियम बैटरी है और लेड एसिड बैटरी दोनों मिलती है। यहाँ पर देखिए, ये आपको 1500 वॉट का नानिया कंपनी का 1500 वॉट का मोटर के साथ मिल रही है, और ये आपको 1500 वॉट में मोटर मिल रही है पूरी इस जगह पे। और ये दोनों चीज़ में आपको अवेलेबल है, चाहे लिथियम में चाहे लेड में, तो आपके ऊपर है कि अगर लिथियम बैटरी लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी, और रेंज की बात करें तो रेंज दोनों में 100 किलोमीटर की बात करो मिलने वाली है, और जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर से ऊपर आप चला नहीं सकते। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों बताने वाला हूँ ये है, देखिए इसका फ़ायदा क्या है, ये जो वेजिटेबल लेने का फ़ायदा क्या है। देखिए, अगर आप कोई भी दुकान लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं तो एक दिन का, आप एक महीने का आपको कम से कम 10,000 रुपये देना पड़ता है किराया, ठीक है। और उस महीने भी अगर किराया आपने दिया तो जाहिर सी बात है कमाई हो ना हो, क्योंकि आप एक जगह खड़े हो, आपको जा नहीं रहे हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये लेने वाले हो, ये पूरा यूज़ करने वाले हो, तो फ़ायदा क्या होगा कि आप एक तो इसको लेके कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि आपको रेडी जैसे होता है तो रेडी में इधर उधर दौड़ाना पड़ता है, तो दौड़ाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह इसको ले जा सकते हो, पूरी गली गली घुमा सकते हो। और देखिए दोस्तों, लोग एडवांस हो रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया से हो, और क्या कहते हैं लोग, देखिए आप नॉर्मल गलियों में जाएंगे तो जाहिर सी बात है ई रिक्शा, पहले हम बोल चुके बाहुबली चले गली गली, तो ये आपको गली गली लेके जाएगा जहाँ भी, अगर लोग, क्योंकि आजकल लोग एडवांस हो रहे हैं, आलस भी मैं कहूँगा हो रहा है, तो आप उनके लिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा कर सकते हैं कि आप जगह जगह जाइए और अपनी गली गली जाके अपना ई रिक्शे में सामान जो सब्जी है वो यहाँ पे बेच सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर देखिए आप अपना कोई मान लीजिए इसमें अगर आपने ये लिया, तो जाहिर सी बात है कि सब्जी हर कोई खरीदता है, जाहिर सी बात है अगर आपने ये लिया तो आपको बिल्कुल भी नुकसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हर दिन मान लीजिए आपने एक जगह ही रिक्शा एक जगह लगाया तो उस जगह आपको नहीं कमाई हुई, आप दूसरी जगह चले जाइए, वहाँ नहीं हो तीसरी जगह चले, क्योंकि आपको ये ऐसा तो है नहीं कि एक जगह दुकान फिक्स है, आप कहीं भी नहीं आ सकते। अगर मैं बात करूं कि देखिए 10,000 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे, एक साल में आपको 1,20,000 देने पड़ेंगे, उतने में तो भैया ये ई रिक्शा आ जाएगा, आपका खुद का ई रिक्शा, खुद की दुकान, चलती फुरती दुकान, जहाँ बोलोगे वहाँ चलेगा, जिस जगह आपको चलाना है वहाँ चलेगा, रोज़ गली में घुमाइए। और अगर आप कुछ पॉश एरिया में, कुछ किसी अमीरों, मतलब कहूँगा पॉश एरिया, अगर आप नहीं समझ रहे अमीरों के एरिया में जाएंगे, वहाँ पर भी ऐसे अगर एडवांस जो टेक्नोलॉजी एडवांस चीज़ें देखेंगे तो आप उनको खरीदने का मन करें, उनको जब दिखेगा कि भाई वो, क्योंकि उनका क्या होता है रेडी पे अगर आप कर रहे हैं तो रेडी पे आप नहीं, रेडी पे उनको दिख रहा है कि धूल मिट्टी सब लग रही है सब्जियों पे हमारी, लेकिन क्योंकि आप इसमें यहाँ पे लेके जाएंगे तो उनको पता होगा ये पूरी अच्छी तरह से कवर होके आया है, कवर होके आया है तो आपको गंदगी होना या धूल मिट्टी लगना वो बिल्कुल से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए वो आपको ज़्यादा खरीदेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा, ये जो वेजिटेबल व्हीकल अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि वेजिटेबल व्हीकल खरीदे, तो वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, पूरे इंडिया में कहीं भी अगर आपको ऐसा वेजिटेबल व्हीकल खरीदना है तो वीडियो के नीचे कॉल करके आप बिल्कुल ई रिक्शा ये वेजिटेबल व्हीकल ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ वेजिटेबल व्हीकल नहीं, अगर आपके, क्योंकि बाहुबली पे सिर्फ वेजिटेबल व्हीकल नहीं बनता, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपको अपना आपका बिजनेस है कि आपको सरिये लेके जाने हैं, या आपका बिजनेस है टायर लेके जाने हैं, या आपको बिजनेस है डब्बे लेके जाने हैं, या आपका कूलर जो है उसको इधर उधर करना है, हर बिजनेस के लिए आपको बाहुबली ई रिक्शा अपना बना के देता है। जिस तरह आप बोलेंगे आगे का सब सेम रहने वाला, मजबूती आगे की सब सेम, पीछे का जिस तरह का आपका बिजनेस है उस तरह का यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, अगर आपको डीलरशिप चाहिए ऐसे ही रिक्शाओं की, बाहुबली रिक्शाओं की, वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, वो आप कॉल करके आप रिक्शा ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एक ही रिक्शा चाहिए अपने किसी भी छोटे मोटे बिजनेस को चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए, कमाने के लिए, तो आप जाहिर सी बात है आप अपना ई रिक्शा, ई लोडर और ये वेजिटेबल व्हीकल आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि अलग अलग जो बाहुबली के अलग अलग रिक्शा के ब्रांड्स हैं, अलग अलग मॉडल जो उन्होंने बनाए हैं उनके बारे में हम बात करें, तो वीडियो पूरी देख के ज़रूर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, जिसमें हम बाहुबली के और भी किसी पार्ट के बारे में और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।